योग शिक्षिका साफिया नाज अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी हैं। विधिवत रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राफिया नाज और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत किया। मौके पर अल्पसंख्यक विंग के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के कई अधिकारी और पदाधिकारी शामिल रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि साफिया नाज जाति धर्म से उठकर बच्चों के बीच प्रशिक्षण का काम करती हैं और इस सेवा में इन्हें कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। आज साफिया नाज हमारे पार्टी में शामिल हो रही हैं, जिससे हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी। वहीं बीजेपी का दामन थामी योग शिक्षिका साफिया नाज ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने महिलाओं को, खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं की हित में देखते हुए 3 तलाक जैसे बड़े कानून लाए हैं, वहीं राज्य के पूर्व रघुवर दास की सरकार ने 1 रुपये महिला की नाम रजिस्ट्री करवाने का निर्णय लिया था। पार्टी महिला को खास तवज्जो देती है। सुनिए क्या कह रही हैं साफिया नाज, योग शिक्षिका और अब बीजेपी लीडर। कार्यकर्ता नेता और कई महीने भी इसे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से और एक भाई की हैसियत से, दोनों हैसियत से मैं इनको खूब अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको बधाई देता और बधाई और अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूँ, सामाजिक जीवन इनके जीवन किए हैं, समाज की सेवा करने का संकल्प इन्होंने लिया और समाज के लिए काम करते करते कई अवरोध का भी सामना करना पड़ा इनको, लेकिन इनके विचार और इनके कर्म दोनों पथ से कोई विचलित नहीं कर पाया। ये जो सेवा योगा की कर रही है आगे भी करते रहे, ये मेरी शुभकामना है। और इन लोगों के आने से, हमारी बहन के आने से और उनके साथ लोगों के आने से पार्टी की और स्थिति मजबूत होगी और हम तेजी से काम करने में, हम सब लोग मिलकर के इस देश की सेवा, झारखंड की सेवा करने में हम सब लोग सफल होंगे, ऐसा मुझे मानना है। अब मैं अपनी बहन से पार्टी में और जो भी बहनें आगे जा करके शामिल होंगी उन्हें उनका हक भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है। 3 तलाक से आजादी दिलाई है भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे महिला प्रताड़ित होती थी सर। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि जो पूर्व सरकार थी, पूर्व सरकार में महिलाओं को 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी, जिससे कि महिलाएं किसी के मोहताज नहीं रहती थी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों कार्य महिलाओं के लिए किया है और सभी समाज के लोगों के लिए किया है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कभी भी भेदभाव नहीं करती है। सभी एक समान है, सभी भारतवासी है, सभी का धर्म हिंदुस्तानी है, सभी हिंदुस्तान के वासी है और हमारा धार्मिक ग्रंथ हमारा संविधान है। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मेरा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसने मुझे प्रभावित किया। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भारत के लिए काम करती है, भारतवासियों के लिए काम करती है, मैं आगे भी इस तरीके से पूरे परिवार के साथ मिलकर के अपने देश के लिए काम करना चाहती हूँ। तो देश के लिए, देश के लोगों के लिए कार्य करना मेरा जुड़ने का सर्वप्रथम उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत